कलयुग के अंत में क्या होगा? मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष रह जाएगी। 5 वर्ष की छोटी उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी। 16 वर्ष में मनुष्य वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे और रोगग्रस्त होने लगेंगे। जिस समय भगवान कल्कि इस धरती पर अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष रह जाएगी। चारों वर्णों के लोग बोने के समान हो जाएंगे। गौमाता भी बकरियों की तरह छोटी छोटी हो जाएगी। कलयुग का अंत होने से पहले हमें बहुत से संकेत मिलने लगेंगे, ऐसा हमें पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है। यदि हम पुराणों की माने तो कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर होगा। लोग एक दूसरे पर अत्याचार करेंगे। सभी देश एक दूसरे से लड़ने के लिए उतारू होंगे। एक दूसरे की जमीनों पर कब्जा किया जाएगा। इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी अत्याचार किया जाएगा। वातावरण पूरी तरह प्रदूषित हो जाएगा। धरती रहने लायक नहीं रहेगी। जल पीने लायक नहीं रहेगा। खाने को कोई भोजन नहीं रहेगा। ऐसे में मनुष्य एक दूसरे का खून पिएगा। लालच अपनी चरम सीमा पर होगा। कोई किसी का सगा नहीं होगा। बाप बेटे को और बेटा बाप को मारेगा। स्त्रियों की कोई इज्जत नहीं करेगा। सभी लोग पैसों के पीछे भागेंगे। दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप भी चला करेंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे। लोग गड्ढे खोद कर रहेंगे। धरती का 3/4 अंश अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। अनाज नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी। होगी भी तो बकरी के समान और वो दूध देना भी बंद कर देगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अनाज उगना बंद हो जाएगा। पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे और धीरे धीरे ये सारी चीजें धरती से विलुप्त हो जाएंगी। हर घर में ग्रह क्लेश होगा। कोई आपस में मिलकर नहीं रहेगा। कोई भी एक दूसरे से सच नहीं बोलेगा। पति पत्नी झूठ बोलेगी। पिता पुत्र से झूठ बोलेगा। सत्य की आंखों में पट्टी बन जाएगी और हर जगह झूठ का ही बोलबाला होगा। कलयुग में लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। उनके अपने घर में ही हैवान वास करेंगे। उनके पिता उनके भाई उनको हवस का शिकार बनाएंगे। जिस तरह सतयुग के लोगों की उम्र लंबी होती थी, उनकी मृत्यु भी बहुत अच्छी और सुलभ होती थी, मगर कलयुग में ऐसा नहीं होगा। व्यक्ति की उम्र 15 से लेकर महज 20 साल की हो जाएगी और उनको अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। स्त्रियां कठोर स्वभाव की और कड़वा बोलने वाली होंगी। वह पति की आज्ञा नहीं मानेगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्य का व्यवहार गधों जैसा, केवल गृहस्थी का भार उठाने वाला रह जाएगा। लोग विषय भोग में लिप्त रहेंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित नास्तिक वो चोर बन जाएगा। सब एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। भीड़ में लोग आएंगे और एक मनुष्य की जान ले लेंगे। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई अपने ही भाई का शत्रु बन जाएगा। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। पिता पुत्र का और पुत्र पिता का वध करने में भी संकोच नहीं करेंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन ये किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि सातों समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी। सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। जल में फिर से जीव उत्पत्ति की शुरुआत होगी।